ओम शांति। आज है 22 जनवरी 2022 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। प्रश्न, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है क्या नहीं? उत्तर, तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी यह चाहिए यह चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। गीत, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह है रूहानी बाप और बच्चों का संबंध। रूहानी बाप अब बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि होंगे, अपने आश्रम से कहां जाएंगे तो कहेंगे फलाना सन्यासी फलानी जगह रहने वाला है। गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह कोई नई बात नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। अब यह तो है रूहानी बाप जिसको सब रूहें याद करती हैं। रूह ही कहती है ओ परमपिता परमात्मा, जब दुख होता है तो लौकी को कुछ नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को ही याद करेंगे। सन्यासी होंगे तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वह है ही ब्रह्म ज्ञानी, बाप को ही याद नहीं करते। शिवोहम कहते हैं मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, फिर ब्रह्म अथवा तत्व तो रहने का स्थान है। यह बातें बिल्कुल नई हैं, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। यह जो शास्त्र है उनमें मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान न होने कारण तुम जब किसको समझाते हो तो कहते हैं यह तो नई बात है। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, यह उन्हों की बुद्धि में ही नहीं आता है। वह तो समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान सुनाया है तो मौज पड़ते हैं। बाप तो एक एक बात सिद्ध करके बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम सब याद करते हो, भगत तो सब भगत है, भगवान तो एक होना चाहिए। सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते हैं। पहले अव्यभिचारी एक शिव की भक्ति होती है, परंतु ज्ञान नहीं रहता कि वह क्या करके गए हैं, कब आए थे, यह नहीं जानते हैं। परंतु वह है सतोप्रधान भक्ति, पूजा उसकी होती है जिससे सुख मिलता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी अपार सुख था, वह स्वर्ग के देवताएं थे। लक्ष्मी नारायण को सत्युग का पहला पहला महाराजा महारानी मानते हैं, परंतु सत्युग की आयु नहीं जानते हैं। बाप हरेक बात बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे, यह नई रचना है ना। तुम सबको समझा सकते हो कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, यह तो सब समझते हैं। नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते हैं? यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते। उन्हों को यह नई नई बातें समझ में नहीं आती। जब सुनते सुनते पक्के हो जाते हैं तब समझते हैं हम कितना घोर अंधियारे में थे। न भगवान को जानते थे न देवताओं को जानते थे। जो पास्ट हो जाते हैं
उन्हों की ही भक्ति की जाती है। फिर पूछो, परम पिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह क्या करके गए हैं? कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कृष्ण के लिए सिर्फ कहते हैं, मक्खन चुराया, यह किया, ज्ञान दिया, कितना घोटाला है। दाता तो एक ईश्वर ही है, कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगे, वह तो मूंछे हुए हैं। यह सब ड्रामा में नोंद है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, नटशेल में थोड़ी बातें भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती। अगर एक एक के 84 जन्मों का वृतांत बैठ निकाले तो पता नहीं कितना हो जाए। बाप कहते हैं, इन सब बातों को छोड़, मामी कम याद करो। थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता है तो मनुष्यों का संशय मिट जाए। बाकी बात तो थोड़ी है, मुझे याद करो। जैसे मंत्र देते हैं, ईश्वर को याद करो, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ईश्वर के पास जाएंगे। यह तो बाप ही समझाते हैं, तो गंगा स्नान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इस समय हर एक पर विकर्मों का बोझा बहुत भारी है। सुकर्म थोड़े होते हैं, बाकी विकर्म तो जन्म जन्मांतर के बहुत हैं। कितना ज्ञान और योग में रहते हैं तो भी इतने विकर्म हैं जो छूटते ही नहीं हैं। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर कुछ विकर्म रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है। बाप कहते हैं, और कुछ नहीं समझते हो तो बाप को याद करो, इससे भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। एक कहानी भी है खुदा दोस्त की, एक रोज के लिए बादशाही देते थे। अब तुम जानते हो, बाबा ही त्वमेव मातश्च पिता बंधु हो गया तो खुदा दोस्त हुआ ना। अल्लाह अवल दीन, खुदा दोस्त, यह सब बातें इस समय की हैं। बाबा तुम्हें एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बच्चियां जब ध्यान में जाती थी तो वहां प्रिंस प्रिंसेस बन जाती थी, वहां के सब समाचार आकर सुनाती थी। तुम बाप को अब जानते हो। सब कहते हैं हेवनली गॉडफादर जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। भारत ही गोल्डन एज था उस समय और कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। इसलिए पूछते हैं, इन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला? भारत वासियों का इनसे क्या संबंध है? स्वर्ग के मालिक पहले यह थे, अब तो नर्क है, यह कहाँ गए? जन्म मरण को तो मानते हैं ना? आत्मा जन्म मरण में आती है तब तो 84 जन्म लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे? दुनिया में अनेक मत हैं, कोई पुनर्जन्म को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है? यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं? तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन के, और तो कोई बता ना सके, तुम्हारे लिए तो कितना सहज है। माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फुरना नहीं है, घर में रहने वाली हैं, कोई धंधे धोरी का हंगामा नहीं है। बाप से वर्षा लेना है, पुरुषों को तो फुरना है। तुमको तो बाबा कहते हैं, तुम अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। साहूकारों को तो कितनी चिंता रहती है, दुनिया में रिश्वतखोरी भी बहुत है। तुमको रिश्वत लेने की कोई दरकार ही नहीं, वह तो व्यापारियों का काम है, तुम इनसे छूटे हुए हो। फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है, इसलिए फिर कुछ ना कुछ हबज
लोभ लालच रहती है तो जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो ना, तुमको देना है न कि मांगना है। तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है, और कोई से लेंगे तो उनकी याद रहेगी। हर एक चीज शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। शिव बाबा कहते हैं, तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है, यह ब्रह्मा तो बीच में दलाल है, देने वाला मैं हूँ। मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। कोई भी चीज औरों से लेंगे तो तुमको उनकी याद आएगी और तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज ले लो और किसी से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को नुकसान पड़ता है, क्योंकि उसने शिव बाबा की भंडारी में नहीं दिया। देना चाहिए शिव बाबा की भंडारी में। मनुष्यों से लेन देन का कनेक्शन तो बहुत समय रखा, अब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से है। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है। कई बच्चे कहते हैं, हमने शिव बाबा को देखा नहीं है। अरे तुम अपने को देखते हो? तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है? जो कहते हो हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, तुम जानते हो हमारी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, शिव बाबा भी भ्रिकुटी के बीच में ही होगा। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, किस समय आत्मा का साक्षात्कार हो भी सकता है। आत्मा स्टार है, साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा। अच्छा, कृष्ण की तुम भक्ति करो, साक्षात्कार हो सकता है, फिर फायदा क्या? परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ, फायदा क्या? फिर भी तुमको तो पढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो उनका कितना गायन करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना। ब्रह्मा को भी उनसे ज्ञान मिलता है। आजकल शिवलिंग सबके आगे रख देते हैं, समझते कुछ भी नहीं, पूजा करते हैं परंतु कोई की भी बायोग्राफी बता ना सके, इन ज्ञान रत्नों को समझ ना सके। रत्न लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देती है, कहते हैं हमको रत्न नहीं चाहिए। बाबा समझाते हैं, फिर भी शिवालय में तो आएंगे, परंतु प्रजा पद पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं बैकुंठ की बादशाही देने आया हूँ, तुम पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ। पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो यह कौन है। कहते हैं ना, आए आग लेने और बबोरची मालिक बन बैठे। कोई पुजारियों की भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता है। हम भी पुजारी थे, अब पूज्य बने हैं। यह लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने हैं तुम समझा सकते हो। बाबा कहते हैं, जहाँ मेरे भक्त हैं उनको समझाओ। भक्त होंगे शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगत अम्बा के मंदिर में जाओ, पुजारियों को समझाओ, वह फिर औरों को समझाएं। पुजारी बैठ किसको जगत अम्बा का ऑक्यूपेशन बताएं तो सब खुश हो जाएं। उनको कहना चाहिए, तुम इन सब बातों को समझो, तुम किसको बैठ इन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगे तो तुमको बहुत पैसे मिलेंगे। यह भी समझा वही सकता है जो देही अभिमानी है। देह अभिमानी को तो सारा दिन यह चाहिए यह चाहिए लालच रहती है। स्टूडेंट को तो नॉलेज की हबच होनी चाहिए, तो मैं पास विद ऑनर हो जाऊं, यह है पढ़ाई का लक्ष्य। ड्रामा के राज को भी समझना है। ड्रामा कोई लंबा नहीं है,
परंतु शास्त्रों में इनकी आयु लंबी लिख दी है, तो यह सब बुद्धि में आना चाहिए। सर्विस तो बहुत है, कोई करके दिखाए। बाप से कोई कृपा थोड़े ही मांगी जाती है। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि होगी। अरे बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रहे हैं, इसमें फिर देवता कुल की वृद्धि हो रही है। अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती है, तुम भी ईश्वरीय संतान हो। तो बाप समझाते हैं, यह सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो। बंधन आदि हैं, यह सब कर्म का हिसाब है। बाबा को देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों के ख्यालात रहते हैं, कितनी खिटपिट होती है, कितनी निंदा करते हैं। डिस सर्विस करना सहज है, सर्विस करना बहुत मुश्किल है। एक खराब होता है तो 10-20 को खराब कर देते हैं, बाकी 5-8 निकलते बड़ी मेहनत से हैं। कई सेंटर्स पर आते भी रहते हैं, फिर काला मुंह भी करते रहते हैं। ऐसे बंदर बुद्धि वायुमंडल को खराब करते हैं, ऐसों को तुम बिठाते क्यों हो? काला मुंह किया तो उसका असर बहुत समय चलता है, रजिस्टर से मालूम चल जाता है। 4-5 वर्ष आकर फिर आना बंद कर दिया। बाबा समझाते हैं, ऐसा करने से तुम राजाई पद पा नहीं सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है, पत्थर बन गए, तुम भी पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, पारस बन नहीं सकेंगे। फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, यह भी ड्रामा में नूंद है। राजधानी में नंबरवार चाहिए, नौकर चंडाल आदि सब चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है, कोई भी डिसर्विस का काम नहीं करना है। नंबर 2, लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं। वरदान, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ। यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा, इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक मन जब चाहे मुख द्वारा साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरणी अर्थात विजय माला में ले आएगा। श्लोगन, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।